हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गार्डनिंग विद अवि में। दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग पसंद करते हैं, टेरेस पर गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ही है। वीडियो को आखिरी तक देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगी टेरेस गार्डनर गार्डनिंग लवर के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने गार्डन के लिए, टेरेस के लिए हल्के पॉट में अच्छी मिट्टी लेकर उसमें कोई भी सब्जी या फल फूल के पौधे कैसे लगाएं। तो ऐसे पौधों को लगाने के लिए हम इस थर्मोपॉट को कैसे बनाएं। दोस्तों, ये थर्मोकॉल की बॉक्सेस हैं जिन जो मछली रखने के लिए यूज होती हैं। तो मैंने इसे मछली मंडी से 50-50 रुपए की एक एक बॉक्स खरीदी है। देखिए इसकी थर्मोकॉल की चौड़ाई कितनी है। इसे टेप से, प्लास्टिक टेप से रैप कर लेना है ताकि इसकी मजबूती और अच्छी हो जाए। इसके साथ एक ढक्कन है और ये डिब्बा है। दोस्तों, ये आप कभी भी कहीं किसी मछली मंडी में देखेंगे तो मछलियाँ मोस्टली इसी में रख के ले आके बेचते हैं। तो हमने ये 4 डिब्बे खरीदे हैं जिसके बॉटम में हम ड्रेनेज होल करेंगे और फिर इसमें हम मिट्टी भरेंगे। और मिट्टी भर के इसमें आप, चूँकि ये इतनी साइज़ इसकी इतनी अच्छी होती है और इसमें मिट्टी अच्छी खासी क्वांटिटी में आती है, तो आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली ग्रो करेगा। तो इसमें हमने बॉटम में ड्रेनेज होल करने के लिए कोई भी आप टूल की मदद से कर सकते हैं। मैंने एक टूल ले रखा है जिसे मैं गर्म करके होल करूँगा। इसमें गर्म करके इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम थर्मोकॉल को गर्म करके किसी चीज़ से उसमें होल करते हैं तो उतनी दूर का जो एरिया होता है जो गर्म करते हैं वो ड्रेनेज होल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम बिना गर्म किए किसी चीज़ से करते हैं तो वो होल जो है बंद होने की संभावना होती है। वो थर्मोकॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर उतनी दूर में ब्लॉक कर सकते हैं। पर जब हम गर्म करके करते हैं तो वो होल चारों तरफ से थर्मोकॉल जो है वो प्लास्टिक चुकी होता है, वो चिपक जाता है गर्म होके और वो होल एकदम क्लियर रहता है। तो हमने ये गर्म करके होल करना ज़्यादा सही लगा हमें। तो हम मोमबत्ती की मदद से गर्म कर रहे हैं और इसको देखिए, होल को हम अच्छे से पूरे थर्मोकॉल इसमें एक बॉक्स में हम 6 होल करेंगे, दोनों साइड से 2 और किनारों किनारों पर 2। तो 2 एक साइड से, 2 एक साइड से और किनारे किनारे 6, क्योंकि बहुत बड़ा पॉट है ये, तो ड्रेनेज होल का सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पानी, एक्सेस वाटर जो भी ये नीचे जाएगा तो वो निकल जाना चाहिए बाहर। इसमें अगर रह जाएगा तो फिर हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम ड्रेनेज होल कर लेंगे। दोस्तों, ये हमारे टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसकी एक तो साइज़ अच्छी है जिसमें आप अच्छी खासी मिट्टी भर के किसी भी पौधे को लगा सकते हैं और इसका वेट बिल्कुल ना के बराबर है। और जिस आप थिन देख रहे हैं कितना थिक है, इसके मोटापे के हिसाब से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार देखिए, हमने 6 होल्स कर लिए हैं इसमें, 6 ड्रेनेज होल। और इसके जो ढक्कन है उसको हमने बॉटम पे रखा है, नीचे ढक्कन रख के उसके ऊपर हमने ये थर्मोकॉल पॉट को रखा है। प्लास्टिक रैप करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लास्टिक रैप अगर हम नहीं करेंगे तो शायद मिट्टी के वेट की वजह से जब उसमें पानी पड़े या जड़ों की वजह से, जड़ें जब फैलेंगी तो ये थर्माकोल का पॉट जो है वो साइड से फट जाए, इसलिए प्लास्टिक रैप ज़रूर कर लें उससे। और इसके बेस में हम कुछ सूखी पत्तियां या सूखे पौधे जो हमारे गार्डन से वेस्ट निकलते हैं, इसके बेस में हम वो डाल देंगे ताकि जब मिट्टी हम इसके ऊपर से डालें तो ड्रेनेज होल के रास्ते से मिट्टी ना आए, सिर्फ छनके पानी है। और ये फिर पत्तियाँ जो हैं ये सूखने के बाद, गलने के बाद बहुत ही अच्छी कंपोस्ट का भी काम करती हैं। कि देखिए, मिट्टी भरने के बाद मिट्टी हमें ऊपर से 1 इंच कम से कम पॉट को खाली रखना है ताकि हम उसमें पानी दें तो पानी बाहर ना निकले, या फिर हम उसमें कंपोस्ट डालें तो कंपोस्ट डालने की जगह बची रहे। इस प्रकार देखिए, हमने इसे भर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है, आप कम से कम खर्चे में बड़ा सा बड़ा पॉट आप यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। और इसमें आप किसी भी तरह की कोई भी सब्जी, कोई भी फल, किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा आप इसमें लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। मैंने देखिए इसमें टमाटर लगा रखा है और चौराई और पालक का साग। देखिए, एक पॉट में मैंने 4 टमाटर के पौधे लगाए हैं और इधर मैंने चौराई पालक साग लगा रखे हैं। आगे मैं और भी ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं
ये चार ही मिली थी मुझे, तो मैंने चार बनाए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।